तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक ब्लॉग पल्लव चैनल पे। मैं पल्लव श्रीवास्तव आप सब लोगों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज 25 दिसंबर है। बहुत सारे लोग आज के दिन हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं वो तुलसी पूजा करते हैं। आज के दिन ईसाई लोग आज क्रिसमस मनाते हैं और आज मेरे आदरणीय मेरे आइडल पर्सन अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है, तो उनको सत सत नमन मैं करना चाहता हूँ। अपने सारे परिवार, जितने भी टेक ब्लॉग पल्लव के परिवार हैं, उन सब की तरफ से तो मेरे तरफ से नमन। और अभी हम लोग चल रहे हैं विश्वविद्यालय कैंपस और वहाँ पे जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर जो है वहाँ से जो है वीडियो का जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो को जो हम लोग शुरू करते हैं। जो है हम लोग यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं पुष्पांजलि करके और यहाँ पे ही हम लोग जो ये कलेक्ट्रिएट है कलेक्ट्रिएट और यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है भगवत गीता। यहाँ से हम लोग कल शूटिंग किए थे इसका गांधी उद्यान। तो हम लोग दोस्तों मोतिहारी से काम निपटा लिए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं कौलिया। जो स्पेशल ट्रीट कह सकते हैं उसको, मिठाई कह सकते हैं, वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगा। और वोकल पर वोकल होने के लिए हर लोकल चीज़ को जो है आपको वोकल करना चाहिए। वहीं पर हम लोग वोकल करने जा रहे हैं। उस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जिसको जानकारी है वो उस चीज़ को बहुत ही पसंद से जो है वो खाते हैं। और मोतिहारी के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस चीज़ है, तो उसका नाम है मुर्गी। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा और आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि वो मुर्गी जो है वो कैसे बनता है। तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग तो जो लाल बटन है उसको जल्दी से क्लिक करके जो है ग्रे बटन कर दीजिए। दोस्तों पहले जो है हम लोग गांधी स्मारक जा रहे हैं। ये गांधी द्वार है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी स्मारक के बाद वाल्सर से वापस आएंगे तो
मुर्गी खाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। दरअसल मुर्गी एक ऐसा मिठाई है जो कि पनीर से बनता है। दोस्तों यही है गांधी स्मारक, देख सकते हैं क्या हालत हुआ पड़ा है यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे कपड़ा धुल के जो है रखते हैं। बगल में नदी है और ये जो है लिखा हुआ है क्षेत्र के किसान अंग्रेज महिलाओं के जुर्म अत्याचार पीड़ित थे। वही जो मैं आपको बताता हूँ वही है इतिहास। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं और चलते हैं मुर्गी खाने और फिर आपको दिखाते हैं कि वो उसका प्रोसेस क्या है बनने का और बनाने का। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग आ चुके हैं तुरकौलिया और तुरकौलिया में जो है यहाँ का फेमस जो है ये मुर्गी और यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं यहाँ पे जो ये चलाते हैं इनका नाम हो गया महेंद्र जी। तो इनसे पूछेंगे कि ये जो है कैसे बनता है और ये तुरकौलिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है ये मिठाई है। तो बताइए महेंद्र जी कि कैसे ये बनता है। छेना का होता है और चीनी में बनता है। अच्छा, तो मतलब ये पनीर वनीर में कैसे इसको मतलब बनाना है? पनीर का ही बनता ही है। पनीर का बनता है, पनीर का ही शुद्ध। अच्छा, शुद्ध पनीर, शुद्ध पनीर का बनता है। बात से मतलब आप लोग कैसे करते हैं? नहीं नहीं, डायरेक्ट छेना आता है देहात से। हाँ, उसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको चीनी में पकाते हैं। अच्छा, हाँ, लाल कर देते हैं चीनी में। ठीक, कितना दिन तक रहता है ये? 12 से 15 दिन। 12 से 15 दिन तक रहता है। और कैसे किलो मिलता है ये? अरे अभी तो सस्ता हो गया है, लेकिन 400 रुपये किलो बिकता है। 360 रुपये किलो हो गया है। और कहा जाता है कि तुरकौलिया का जो है बहुत फेमस चीज़ है। ठीक है, तुरकौलिया का फेमस चीज़ है। सबसे शुद्ध मिठाई है, सबसे चीनी और कुछ नहीं करता है। और मिठाई में आप मिक्स कर सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। मतलब इसको चीनी को पिघला के जो है इसको चीनी के चाशनी में बनता है। तो दोस्तों ये था जो हम आए थे अभी तुरकौलिया और यहाँ पे जो है प्रसिद्ध जो है यहाँ पे ये मिठाई है। तो अगर आप तुरकौलिया आएँ तो ये मिठाई जो है ज़रूर से ज़रूर खाएं, क्योंकि यहाँ का जो है ये प्रसिद्ध जो है मिठाई है। तो ये एक्सप्लोरिंग वीडियो जो है आगे भी बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, लोकल को जो है हम लोग को वोकल करना है। तो उस तरह बहुत सारे लोग जो है यहाँ से जो है ये ले के भी दूसरे जगह जाते हैं, जैसे कि आउट ऑफ बिहार भी ये जाता है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है ये बनता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, अगर आगे और भी कुछ होता है तो मैं आपको जो है वो ज़रूर दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो है वो एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है तुरकौलिया से जो है वो निकल चुके हैं और मोतिहारी के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं। मोतिहारी शाम का टाइम हो चुका है और ठंडा भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। तो इस वीडियो का सबब यही है कि अगर आप तुरकौलिया आते हैं तो आप यहाँ का जो है मुर्गी जो है वो ज़रूर खाएँ। और हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक लोकल जगह पे जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की कुछ ना कुछ जो है विशेषताएँ जो है वो होती हैं। तो उस विशेषताओं को जो है आपको जो है वो वोकल करना है, आत्मनिर्भर बनना है आप लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है अभियान आत्मनिर्भर भारत का, लोकल का, लोकल से वोकल के लिए जो बात बोलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ सही था। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके सब तैयार रहें। प्लान बन रहा है, बहुत ही अमेजिंग प्लान बन रहा है।
जल्द ही मैं आपको बताऊंगा जब प्लान सक्सेसफुल होगा तो ये चंपारण का जो है गाँव है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।